दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो इस लीजेंडरी कार के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जिसका नाम है टाटा नैनो। और जो यार हमारी सीएनजी में आती थी लास्ट टाइम जब भी आती थी सीएनजी में आती थी वेरिएंट हमारा, तो बात करें इसके इंजन की 624 लीटर का इसमें हमको इंजन मिलता था, दो सिलेंडर इंजन आता था, बड़ा प्यारा इंजन था भाई ये, बड़ी सक्सेसफुल कार थी ये जो कि प्रोड्यूस करता था 37 BHP पावर और टॉर्क हमारा 51 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। फोर सीटिंग में आती थी दोस्तों कार ये, तो गाड़ी बड़ी प्यारी है। मैनू शार्क फिन एंटीना नहीं दोस्तों, हमको इसमें नॉर्मल एक एंटीना मिलता था जो कि इसमें टूटा हुआ है, नॉर्मल एंटीना आता था मैनुअल वाला। और बात करिए OVRM में आपको इसके इंडिकेटर नहीं मिलते थे, आपको फेंडर मिलते थे, लाइट इसकी आपको ऐसी कुछ मिलती थी, एलुजन लाइट आती थी उस टाइम पे, तो लाइट काफ़ी बड़ी बड़ी थी, थ्रो अच्छा था लाइट का। और फोग लैंप की जगह पर फोग लैंप की प्लेसिंग मिलती थी आपकी, इसमें दो वेरियंट आते थे। टायर का साइज़ की बात करें 155/65R12 का हमको इसमें टायर प्रोफाइल मिलती थी। तो भाई गाड़ी बड़ी ऑल ओवर बाकी शानदार गाड़ी थी, लोगों ने इंडिया में इस गाड़ी की कीमत नहीं समझी। फ्रंट में इसमें आपको सिंगल सा एक बड़ा सा सिंगल वाइपर मिलेगा, तो भाई गाड़ी ऑल ओवर काफ़ी शानदार गाड़ी थी। बात करें इसकी, अब की बात करें तो की आपको कुछ इसमें आपको ऐसी की मिलती थी, आपको एक कंपनी वाली ओरिजिनल की है इस गाड़ी की, तो ऐसा आपको एक रिमोट मिलता था। दोस्तों बात करते हैं अंदर की, अब लेके चलते हैं गाड़ी के अंदर। अंदर की बात करें तो अंदर यार काफ़ी मतलब प्राइस के हिसाब से काफ़ी कुछ हमको गाड़ी में बहुत कुछ मिल जाता था प्राइस के हिसाब से, स्पीकर, स्टीरियो सिस्टम सब कुछ। मैनुअल में हमारी गाड़ी थी, सीट का कंफर्ट आप देखोगे काफ़ी बकेट सीट है कंपनी के ओरिजिनल, तो आपका कुछ ऐसा कुछ नेक रेस्ट मिलता था। और फ्रंट में आपके पास बात करें इसमें आपका OVRM आपको सेंटर में मिलता था, सेंटर में आप देखोगे दो आपके AC के ब्लोअर, आपको AC का कंट्रोल, 120 की आपको इसमें मैनुअली टॉप स्पीड मिलती है, तो प्यारा सा आपका एक छोटा सा मीटर मिल जाता है, हैजार्ड लाइट का यहाँ पे मिल जाता है, AC कंट्रोल आपको कंपनी फिटेड इसमें पूरा स्टीरियो मिलता था जो कि बड़ा प्यारा लगता है। फोर स्पीड में आपको मिलती थी, चार गियर मिलते थे। तो बात करें आपकी इसमें ग्लोब बॉक्स की, तो ग्लोब बॉक्स भी आपको एक छोटा सा प्यारा सा डिसेंट सा ग्लोब बॉक्स मिलता था। सामने देखो आप, डैशबोर्ड में आपको स्पीकर मिल जाता था, डोर आपको कुछ डॉल टोन में आपको डोर का इंटीरियर मिलता था इसमें, डोर का और पूरी गाड़ी का डॉल टोन इंटीरियर है। तो गाड़ी यार ऑल ओवर काफ़ी मतलब बढ़िया ही है गाड़ी अपने हिसाब से, काफ़ी सीख थी। मैनुअली आपको सीट एडजस्टेबल मिलती थी इसमें, डोर में आपको पॉकेट मिल जाती थी। बात करें दोस्तों इसमें एक यूनिक चीज़ देखो, आपको एरोडायनेमिक्स के लिए आपको यहाँ पे एक जाली मिलती है, मतलब बढ़िया आपका कटाई करती है हवा की। बात करें रियर की, तो रियर में आपको कुछ ऐसे डोर हैंडल मिलते थे, मैनुअली आपको टोरेंट मिलते थे। सीट का कंफर्ट बताया यार, चार लोगों के लिए गाड़ी बहुत बड़ी कंफर्टेबल गाड़ी थी ये। और दो आपको स्पीकर पीछे ही मिल जाते हैं, यार चार स्पीकर आते थे गाड़ी में, दो आगे दो पीछे, तो ऑल ओवर यार काफ़ी सही है गाड़ी। बात करें इसकी बूट की, तो 80 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिलता था भाई इस गाड़ी में, दिखा देता हूँ आपको ओपन करके गाड़ी, मतलब कि बूट से मैनुअली यहाँ पे एक बटन मिलता है आपको, ये यहाँ से आपको बटन तो नहीं है इसमें, मैनुअली आपको करनी पड़ेगी बूट। तो भाई ये आपको 80 लीटर का स्पेस मिलता है आपको बूट स्पेस, तो यार एक छोटी सी गाड़ी के लिए, कॉम्पैक्ट सी गाड़ी के लिए ठीक ही है यार बूट स्पेस। बात करें रियर की, यार रियर से भी काफ़ी गाड़ी, एक इंडिका टाटा की इंडिका आती थी जैसी इंस्पायर्ड गाड़ी थी, कुछ गाड़ी थी टाटा नैनो हमारी 2020 में हमको इस अप्रैल में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। गाड़ी यार काफ़ी बढ़िया थी, लोगों ने इस गाड़ी की कीमत नहीं समझी। ये था हमारी साइड से एक छोटा सा प्यारा सा रिव्यू गाड़ी का। तो भाई गाड़ी ये सर्विस सेंटर पर खड़ी थी, ये पीरियडिक सर्विस पर आ रही थी गाड़ी, ये 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है, अब नॉर्मल एक सर्विस पर आई हुई थी गाड़ी, तो हमने इसकी वीडियो बना ली। तो बाकी यार गाड़ी जेनुअन थी, लोगों ने इसकी कीमत नहीं समझी। आज मेरे को ये गाड़ी मिलती है ना नहीं, तो यार मैं इस गाड़ी को हंसी खुशी ले लूँ इस गाड़ी को। बस दोस्तों थैंक यू, बहुत दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में।